मोदी जी यहाँ आए थे कल, उन्होंने कहा कि मैं शबरी का पुजारी हूँ। कहा भगवान राम जिन्होंने शबरी को सम्मान दिया, कहा नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने सैकड़ों शबरियों का अपमान देखते हुए अपना मुंह बंद रखा। मोदी जी एक लफ्ज नहीं कहते, चुप रहते हैं। कहा भगवान राम और शबरी, और कहा मोदी जी और ये सारी महिलाएं जिनका अत्याचार इनकी आंखों के सामने हुआ, और इनकी सरकार ने अत्याचारियों की मदद की, उनकी रक्षा की। मोदी जी यहाँ आए थे कल, पता नहीं आपने उनका भाषण सुना कि नहीं। उन्होंने कहा कि मैं शबरी का पुजारी हूं, ऐसा कहा। चलिए आप खुद ही हंस रहे हैं तो मैं क्या कहूं। कहा भगवान राम जिन्होंने शबरी को सम्मान दिया, कहा नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने सैकड़ों शबरियों का अपमान देखते हुए अपना मुंह बंद रखा। कहा मोदी जी कि हाथरस की एक बहन पे अत्याचार हुआ, उसको रात को जलाया गया, उसके माँ बाप को बुलाया भी नहीं गया उसके अंतिम संस्कारों के लिए, और मोदी जी चुप रहे। उनकी सरकार ने जिसने अत्याचार किया उसकी मदद की। कहाँ भगवान राम और शबरी, और कहाँ नरेंद्र मोदी जी और हाथरस की हमारी बहन। कहाँ भगवान राम और शबरी जी और मोदी जी और उन्नाव की हमारी बहन, जिस पर बार बार अत्याचार हुआ, जिसके पिताजी के खेत जलाए गए, जिसके भाइयों को पीटा गया, जिसकी भाभी को धमकाया गया, और अंत में जिसको खुद जलाया गया। 1 किलोमीटर चली मोदी जी की, जलते हुए चली जब तक गिर के मर गई। मोदी जी की सरकार ने एक उंगली नहीं उठाई उनको मदद करने के लिए, मोदी जी ने पलक नहीं झपकाई। कहाँ भगवान राम और शबरी और मोदी जी की खोखली बातें। हमारी ओलंपिक की खिलाड़ी मेडल जीत के आती हैं, मोदी जी उनको घर बुलाते हैं, उनको चाय पिलाते हैं, उनके साथ फोटो भी खिंचाते हैं। सारे अखबार लिखते हैं कि मोदी जी थे तो मुमकिन था हमारी खिलाड़ियां मेडल लेके आई। वही खिलाड़ी जब चीख चीख के न्याय मांगती है, जब सड़क पर बैठते हुए रोते हुए कहती है मोदी जी मेरी मदद करो, मेरा अत्याचार हुआ है, तो मोदी जी अपने घर से नहीं निकलते। मोदी जी एक लफ्ज नहीं कहते, चुप रहते हैं। कहाँ भगवान राम और शबरी, और कहाँ मोदी जी और ये सारी महिलाएं जिनका अत्याचार इनकी आंखों के सामने हुआ, और इनकी सरकार ने अत्याचारियों की मदद की, उनकी रक्षा की। कहाँ मोदी जी जो उन्हीं अत्याचारियों के बेटों को टिकट दिए इस चुनाव में, वो सब चुनाव लड़ रहे हैं और वो महिलाएं आज तक रो रही हैं। मोदी जी की बातें खोखली हैं, मोदी जी का सम्मान खोखला है, सिर्फ बोलने की बातें हैं, सिर्फ वोट लेने के लिए बातें हैं, कोई वजन नहीं है उनकी बातों में।